गोरखपुर न्यूज के माध्यम से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने वर्ष 2019 की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि वर्ष 2019 नगर निगम के लिए बहुत ही खास रहा है। अब आगे का समाचार पूजा वर्मा से। वर्ष 2019 में प्रदेश सरकार ने 91 रोडों का सेंसन किया है जो मार्च 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसी के साथ नगर निगम सदन के भवन का भी शिलान्यास हुआ है जो टेंडर होते ही उसका भी काम शुरू हो जाएगा। महापौर ने कहा कि नगर निगम की सीमा का भी विस्तार किया गया है जिससे नगर निगम का दायरा बढ़ने से विकास की रफ्तार बढ़ जाएगी। इसके साथ एम्स, खाद कारखाना सहित अन्य योजनाएं अपनी रफ्तार में है और 2020 में तमाम योजनाएं जनता को समर्पित होंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है गोरखपुर में बहुत सी तरक्की हुई है और आप एक साल की तरक्की के बारे में जानना चाहते हैं तो नगर निगम में एक साथ पहली बार 91 रोडों का सैंक्शन किया है, उस पर काम शुरू हो गया है, वो जल्द ही बन करके मार्च के पहले तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ ही गोरखपुर को राप्ती नदी पर बनारस से भी सुंदर घाट बनाया जा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए पैसा सैंक्शन किया है और सौदा गृह हम लोग जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। ये गोरखपुर की चिर प्रचलित मांग थी। आपने देखा होगा कि गोरखपुर में जो तरक्की हो रही है विशेषकर शहर के अंदर, एम्स जहां पर बना है ये प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की अपार मेहनत का परिणाम है। आज गोरखपुर की एक पहचान बना है, खाद कारखाना है। नगर निगम को मुख्यमंत्री जी ने 20 साल से प्रतीक्षारत थे कि यहाँ नया सदन भवन बनना चाहिए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 23.5 करोड़ रुपया स्वीकृत किया है। आज उसका टेंडर होने जा रहा है और एक हफ्ते के अंदर वो टेंडर फाइनल हो जाएगा और ये हमारा सदन भवन नया आधुनिक ढंग से बनकर तैयार होगा, जहाँ पर जनता को बैठने की सुविधाएं रहेंगी, कार्यालय की सुविधा रहेगी, व्यवसायिक जगह भी उसमें दिया गया है। ये सब हमारी उपलब्धियां हैं और आगे आप देख रहे हो कि रामगढ़ ताल का सौंदर्यीकरण हम लोगों ने नगर निगम और जीडीए ने मिल करके किया है। हम नया एक एसटीपी बनाने जा रहे हैं सुभाष चंद्र बोस नगर में कि शहर का जितना भी गंदा पानी होगा वो शोधित हो करके उसको नदी में डाला जाएगा। ये सारी उपलब्धियाँ हैं और तो समझिए कि नगर निगम दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। गैस पाइपलाइन का काम शुरू हो गया है, बिजली अंडरग्राउंड का काम शुरू हो गया है, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के योगदान से काम हो रहा है और आगे भी हमारी जो योजनाएं हैं शहर को वाईफाई से हम लोग शहर को जोड़ेंगे, हमारी 27 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलने जा रही हैं जो सिटी में एक जगह से दूसरे जगह यात्रियों को पहुंचाएगी। साथ ही साथ अगले साल की जो योजना है उसमें हमारा इसको गोरखपुर से नेपाल के लिए रेल लाइन का विस्तार हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के करने जा रही है। मेट्रो का प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है, इसके लिए प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की क्या सहभागिता होगी आर्थिक मामले में, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने केंद्र को पत्र लिखा है। ये भी गोरखपुर नगर निगम को, नगर निगम ही उसका संचालन करेगा। ये सारी उपलब्धियां हमारे हैं और आगे भी हम लोग इस पर तत्परता से काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के शासन में गोरखपुर ने बहुत तरक्की की है जो 50 साल में भी नहीं हो पाया था, हम लोगों ने 2 साल के अंदर कर लिया। सीमा का विस्तार हुआ है और हमारे यहाँ लगभग अगले साल 100 वार्ड नोटिफिकेशन में आ जाएंगे और हमारा शहर की सीमाएं बड़ी हो जाएगी और हम शहर को और भी बेहतर सुविधा देने के लायक बनाएंगे। इस पर काम हमारी सरकार कर रही है, हम लोगों ने प्रस्ताव बना करके
राज्य सरकार को भेज दिया है। कैबिनेट में 31 गांवों की मंजूरी मिल गई है, लेकिन फिर भी और भी हम लोगों ने 11 गांवों के लिए प्रस्ताव बना करके भेज रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वो भी स्वीकृत हो जाएगा और शहर का आकार बहुत बड़ा होगा, करीब 15 करोड़ आबादी शहर की हो जाएगी नए विस्तार में।